हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अनीता। सबसे पहले एक अपील, प्लीज़ स्टे होम स्टे सेफ। जैसे कि हम कोरोना वायरस के विषय में जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, हमें घर में ही रहना है। और जैसे कि अभी नवरात्रे भी चल रहे हैं और आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो प्लीज़ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाना अवॉइड करें। घर पर ही रहकर ईश्वर की आराधना करें। और स्टूडेंट्स, घर में रहकर आपको अपनी फाइल बनानी है, फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज़ करनी है, असाइनमेंट बनाने हैं और आप अपने लेसन प्लान भी बना सकते हो। इससे पहले हम कॉमर्स का, एसएसटी का, मैथ्स का लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं कि बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान किस तरह से बनाया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारा जो फ्रंट पेज होता है वो इस तरह से होता है। पहले उसमें ये एंट्रीज हमें करनी होती हैं, लेसन प्लान नंबर 1, 2, 3, जो भी आपका प्लान है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। डेट, जिस डेट में आप टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान स्कूल में अपने लेसन प्लान को डिलीवर करेंगे वो डेट यहाँ पर आएगी। उसके बाद कौन सी क्लास का बनाया आपने, 6th का, 7th का, 8th का, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। कौन से पीरियड में आप पढ़ाने जा रहे हो और कौन से स्कूल में आपकी टीचिंग प्रैक्टिस चल रही है वो यहाँ पर मेंशन होगा। सब्जेक्ट, जैसे कि हमने बताया हम बायोलॉजिकल साइंस का आज लेसन प्लान बनाएंगे, तो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। टाइमिंग, जो आपका स्कूल में टाइमिंग चल रहा है, 35 मिनट है, 45 मिनट है, 40 है, तो आपको वो यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद हमारे होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगे। जैसे कि आपका साइंस का प्लान है ये और इसमें बायोलॉजिकल साइंस है, तो ये साइंस से रिलेटेड ही आपके जो हैं प्लान होंगे। जब जैसे जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनका मेन सब्जेक्ट तो साइंस होता है और ये सब सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस होगा। तो हमारे जो ये जनरल ऑब्जेक्टिव बनेंगे ये आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगे, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, टू डेवलप आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी इन स्टूडेंट्स, साथ में ये भी आएगा, टू डेवलप इंटरेस्ट टुवर्ड साइंस सब्जेक्ट। तो इस तरह से आपके साइंस से रिलेटेड ये 4 या 5 आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। उसके बाद आपके आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो आपका टॉपिक है वो आपके टॉपिक ओरिएंटेड होंगे और ये जो होंगे तीनों डोमेन के अकॉर्डिंग होंगे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। ये यहाँ पर नॉलेज, यहाँ पर भी नॉलेज का बना है, तो ये थर्ड वाला नॉलेज का यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ पर एप्लीकेशन का आएगा। पहला नॉलेज, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन, हम इन तीनों डोमेन को ही लेकर चलेंगे। ये जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे, जो हमारा कंटेंट हम डिलीवर करने वाले हैं, उस कंटेंट के तीन कंटेंट हैं। पहला हमारा न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तीसरा है नीड ऑफ रफेज वाटर। तो पहला हमारा बनेगा टू अनेबल स्टूडेंट्स टू गेट नॉलेज अबाउट न्यूट्रिएंट्स, आपका ये हो गया। दूसरा आपका जो बनेगा वो हमारा दूसरा जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, तो यहाँ पर बनेगा टू अनेबल स्टूडेंट्स टू मेक अंडरस्टैंड अबाउट फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का बनेगा। तीसरा आपका नॉलेज का बनेगा, जो कि टू अनेबल स्टूडेंट्स टू एप्लीकेशन नीड ऑफ रफेज वाटर, इस तरह से ये बनेगा। उसके बाद आपका आ गया प्रीवियस नॉलेज, तो स्टूडेंट्स हैविंग प्रीवियस नॉलेज अबाउट न्यूट्रिएंट्स रिच फूड, टीचिंग एड, अपने टीचिंग के दौरान जब आप क्लास में जा रहे हैं ये प्लान आपने पहले ही प्रिपेयर कर लिया है, तो हम पहले ही देख लेते हैं कि इसको पढ़ाने के लिए हमें कौन सी टीचिंग एड की नीड है, तो हम यहाँ पर उस टीचिंग एड को लिख देंगे, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, और वहाँ पर यदि स्मार्ट बोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे, पॉइंटर, रियल ऑब्जेक्ट यदि हमने यूज़ किया तो रियल ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या रियल ऑब्जेक्ट यूज़ किया वो भी यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना है, चार्ट यूज़ किया तो चार्ट लिखना है, जो भी आप यूज़ करें टीचिंग एड में वो यहाँ पर लिखनी है। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट पेज की एंट्री। अब इसके बाद आते हैं हम सेकेंड पेज पर। सेकेंड पेज पर हम पहले देते हैं इसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम डायरेक्ट टॉपिक बच्चों को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, हमें टॉपिक को बच्चों से ही निकलवाना होता है। तो ये हमारे हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जो हमारे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होते हैं दे आर जिग जैग फॉर्म, जैसे कि ये दिया हुआ है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लिव, हमारे रहने के लिए क्या आवश्यक है, तो बच्चे ने बताया फूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फूड से रिलेटेड होगा, हाउ डू वी गेट फूड, तो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाई फूड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस,
तो ये बता देंगे ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर आर ग्रोथ, नो रिस्पॉन्स आ गया बच्चे का, तो यहाँ पर हमें न्यूट्रिएंट्स पढ़ाना है, तो यहाँ पर हम अपनी स्टेटमेंट देंगे यहाँ पर कि सो स्टूडेंट्स टुडे वी, पहले थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता देंगे, उसके बाद अपना स्टेटमेंट पर आएंगे कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट दैट दिस जो भी हमारा टॉपिक है वो, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट लिसन केयरफुली, ये हमारा स्टेटमेंट मेथड है, ये क्वेश्चन आंसर मेथड है, और अभी तक इस वाले कॉलम में हमें कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ तक कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद हमारी आती है इसका भी ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, स्टूडेंट्स आर अवेयर अबाउट टॉपिक। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स पढ़ाएंगे हम यहाँ पर, यहाँ हम अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है, हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में क्या पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर डेफिनेशन भी देंगे, उसके बारे में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये आपको जो सिक्स का प्लान हमारा ये बन रहा है, तो सिक्स की बुक में से ही इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है, लेकिन जो हम क्लास में डिलीवर कर रहे हैं उसकी हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एक ही दिया, और लेकिन हमें तीन ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। पहला हम बनाएंगे नॉलेज का ऑब्जेक्टिव, नॉलेज में हमें एक्शन वर्ब का यूज़ करना है, जैसे कि एक्शन वर्ब यदि आपने यहाँ पर डेफिनेशन दी है तो यहाँ पर डिफाइन आ सकता है, स्टूडेंट्स आर एबल टू डिफाइन अबाउट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और यदि डेफिनेशन नहीं दी है तो हमें डिफाइन वर्ड यूज़ नहीं करना है, तब हम डिफाइन एक्शन वर्ब नहीं लगाएंगे। आप यहाँ पर नॉलेज का बना सकते हैं, स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकॉल अबाउट न्यूट्रिएंट्स, आप ये बना सकते हैं, स्टूडेंट्स आर एबल रिकॉग्नाइज न्यूट्रिएंट्स। इस तरह से आपको जो नॉलेज की एक्शन वर्ब जैसे डिफाइन है, रिकॉल है, रिकॉग्नाइज है, चूज, लिस्टिंग, रिपीट, मैचिंग, इनमें से कोई भी आपको एक्शन वर्ब यूज़ करके आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आप अंडरस्टैंडिंग का बनाएंगे, नॉलेज का हमने बना लिया, अंडरस्टैंडिंग का बनाएंगे, स्टूडेंट्स आर एबल टू एक्सप्लेन अबाउट न्यूट्रिएंट्स। और यदि आपने एग्जाम्पल दिए हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, स्टूडेंट्स आर एबल टू गिव एग्जाम्पल, गिव एग्जाम्पल जो है आपकी एक्शन वर्ब है, एक्सप्लेन आपकी एक्शन वर्ब है, डिफरेंट आपकी अंडरस्टैंडिंग की एप्लीकेशन है, कन्वर्ट जो है अंडरस्टैंडिंग की एप्लीकेशन है, अज्यूम जैसे ये मैथ्स में आता है मोस्टली अज्यूम, ये भी अंडरस्टैंडिंग की एप्लीकेशन है, एक्शन वर्ब है। इसके बाद हमारा ये नॉलेज का बना लिया, अंडरस्टैंडिंग का बना लिया, एप्लीकेशन का भी इस तरह से बना लोगे, एप्लीकेशन में टू प्रिपेयर, टू अप्लाई, टू चेंज, ये सारी एक्शन वर्ब यूज़ होंगी। तो जो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव बनाए नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन का, उसी को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर इवेल्युएटरी क्वेश्चन पूछेंगे। जो हमें ये इवेल्युएटरी क्वेश्चन पूछने हैं ये हमें यहीं तक पूछ लेने हैं जहाँ पर हमारी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो रही है, और इसे बहुत ऊपर भी नहीं पूछा जाता है और एक सबसे नीचे नहीं, लेकिन जहाँ यहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं तक हमें इसको पूछना है। तो यहाँ एक जैसे यहाँ पर MCQ वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस तरह से कोई MCQ वाला क्वेश्चन या फिर कोई फिलअप या फिर कोई आप वन वर्ड क्वेश्चंस इस तरह से पूछ सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर पहला जो कंटेंट था न्यूट्रिएंट्स, ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हमें इवेल्युएटरी क्वेश्चन ही पूछ लिया, अब हमें अपने चैप्टर को आगे ले जाना है, तो अपने चैप्टर को डेवलप करने के लिए हमें डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछने होंगे। तो जब हमारे डेवलपमेंट्री क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से होंगे, हमारे तीन या चार डेवलपमेंट्री क्वेश्चन होते हैं, दो हमने पूछ लिए उसी में से ही कि जो हमने पहले पढ़ाया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका आ गया, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, इसका फंक्शन क्या क्या है। तो यहाँ पर बच्चे का पार्शियल आंसर भी हो सकता है, नो रिस्पॉन्स भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपको ऑब्लिक करके पार्शियल आंसर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको फंक्शन पढ़ाना है इसका, तो यहाँ पर आपने पूरा फंक्शन इसको पढ़ा दिया कि प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, किस तरह से काम करते हैं, फैट किस तरह से काम करता है, कहाँ किस तरह से फैट होता है। और यहाँ पर आपका आएगा, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड राइट मेन पॉइंट्स इन देयर नोटबुक, यहाँ पर आपका आ गया ये कौन सा मेथड चल रहा है आपका, एक्सप्लेनेशन मेथड, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मेथड आएगा, जहाँ क्वेश्चन पूछेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर मेथड आएगा, जहाँ डेमोस्ट्रेशन देंगे वहाँ डेमोस्ट्रेशन मेथड आएगा। फिर हमने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड यूज़ किया है, तो आपने ब्लैक बोर्ड की फॉर्म में कटिंग करके यहाँ पर लगा देंगे, और जो भी ब्लैक बोर्ड पर आपने लिखा जाना है, आपको जो यूज़ करना है वो आपको यहाँ पर भी लिखना है। और यहाँ पर भी इस तरह से तीनों ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, स्टूडेंट्स आर एबल, पहले नॉलेज का बनाएंगे, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग का, फिर एप्लीकेशन का। नॉलेज की मैंने अभी आपको एक्शन वर्ब बताई थी, डिफाइन, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, चूज, लिस्टिंग, रिपीट, मैचिंग, इस तरह से अंडरस्टैंडिंग की एप्लीकेशन है आपकी, एक्सप्लेन, डिफरेंस बिटवीन, टू गिव एग्जाम्पल, कन्वर्ट, एज्यूम, और एप्लीकेशन की डेमोस्ट्रेशन, टू अप्लाई, टू कंस्ट्रक्ट, टू प्रिपेयर, टू चेंज। तो इन्हीं को ही ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक्शन वर्ब के थ्रू ही अपने ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे। पहला हम बनाएंगे नॉलेज का, स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकॉग्नाइज द फंक्शन ऑफ
न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग का बनाएंगे, यदि हमने एग्जांपल दिए तो एग्जांपल बता देंगे कि फैट्स के एग्जांपल दिए, स्टूडेंट्स आर एबल टू गिव एग्जांपल दिस दिस दिस, और एप्लीकेशन का इस तरह से हमें जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बना देने हैं। तो हमारा सेकेंड जो था कंटेंट, हमने अपना सेकेंड कंटेंट भी यहाँ पर पढ़ा लिया। अब इसके बाद हमें डेवलपमेंटरी क्वेश्चन पूछने हैं, और इसी तरह से तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आर बॉडी। बच्चे जो ये हम पढ़ा चुके हैं तो बच्चे इसमें से ही इसका आंसर कर देंगे। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस पूछते हैं उस दौरान हमारा ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बच्चे तो वहीं से देखकर आंसर कर देंगे। यदि हमने कोई चार्ट यूज़ किया है तो हमें पहले चार्ट को रिमूव करना है, उसके बाद डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस पूछने हैं। उसके बाद ये हमने डेवलपमेंटरी क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पर। उसके बाद फिर हमें थर्ड अपना टॉपिक पढ़ाना है, तो थर्ड हमारा टॉपिक है नीड ऑफ रफेज वाटर। तो थर्ड हमारा जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, थर्ड या फोर्थ, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रफेज ऑफ वाटर। तो ये क्योंकि हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं है, अभी बच्चे इसका प्रॉपर आंसर नहीं कर पाएंगे तो पार्शियल आंसर देंगे, तो यहाँ हम नो रिस्पॉन्स या पार्शियल आंसर लिखेंगे, और यहाँ क्वेश्चन आंसर मेथड आएगा। यहाँ पर हम अब एक्सप्लेनेशन देंगे नीड ऑफ रफेज वाटर की। तो हमें यहाँ पर रफेज वाटर की नीड पढ़ा देना है कि पानी की किस तरह क्या आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमने उस नीड को पढ़ा दिया, इसका एप्लीकेशन ही बच्चे को बता दिया क्या एप्लीकेशन है। यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड राइट मेन पॉइंट्स इन देयर नोटबुक। जो ब्लैक बोर्ड पर यूज़ किया वो ब्लैक बोर्ड पर यहाँ लिख देंगे। चार्ट आपको ज़रूर एक बार यूज़ करना है, चार्ट या कोई रियल ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। साइंस जो है हम बिना रियल ऑब्जेक्ट के कभी भी नहीं पढ़ा सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रियल ऑब्जेक्ट यूज़ करने हैं। जब आपकी मेन टीचिंग होती है इसमें कि टीचिंग जो आपकी एग्ज़ाम में होती है उसमें जो है एग्जामिनर यही देखते हैं कि आपने टीचिंग के दौरान कौन सी टीचिंग एड यूज़ की, वो कितनी इफेक्टिव थी। तो यहाँ पर इस तरह से ही जब जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से तीन ऑब्जेक्टिव बनेंगे, नॉलेज का अलग बनेगा, एप्लीकेशन का अलग, अंडरस्टैंडिंग का अलग और एप्लीकेशन का अलग। यहाँ पर हमें तीनों इसके ऑब्जेक्टिव बना लेने हैं। अब यहाँ हमने तीनों कंटेंट हो गए, हम तीन कंटेंट ही पढ़ाते हैं, उसके बाद हमें लिखनी है अपनी ब्लैक बोर्ड समरी। इसका आपका ऑब्जेक्टिव होगा स्टूडेंट्स आर एबल टू समराइज देयर लर्नड नॉलेज। ठीक है, अब ब्लैक बोर्ड समरी में पीपल टीचर राइट्स ब्लैक बोर्ड समरी ऑन ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट्स राइट ब्लैक बोर्ड समरी इन देयर नोटबुक। यहाँ पर हमें ब्लैक बोर्ड व ब्लैक पेपर ही लगाना है, और जो ब्लैक बोर्ड समरी थी हमारी उस समरी को लिख देना है। न्यूट्रिएंट्स आएगा और फंक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आएंगे, नीड ऑफ रफेज वाटर आएगा, तो दो लाइन उसके बारे में लिखेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ाया था। इसके बाद आपका आ जाता है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन। रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन का भी ऑब्जेक्टिव जो होता है स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकैप्चुलेट देयर लर्नड नॉलेज। यहाँ पर ऐसा कॉलम नहीं है लेकिन ये इंस्टीट्यूट वाइज वेरी करता है, कहीं पर तो डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आंसर लिखवा देते हैं, कहीं पर पूरा कॉलम 6 कॉलम होते हैं, तो उन कॉलम्स के अकॉर्डिंग ही आपको इसको फिल करना है। यदि ऑब्जेक्टिव वाला कॉलम है तो आपको लिखना है स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकैप्चुलेट देयर लर्नड नॉलेज, और यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो कि पीपल टीचर राइट्स रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन, आस्क रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ रोलर बोर्ड, और स्टूडेंट्स विल गिव आंसर भी कर सकते हो, या फिर इसके आंसर भी आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो। अब आपके जो रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन हैं, जो तीन कंटेंट आपने पढ़ाए हैं, उन तीनों कंटेंट में से ही रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीनों कंटेंट को ये क्वेश्चन कवर करेंगे, मतलब हर कंटेंट में से आपको दो दो या एक एक क्वेश्चन जरूर पूछना है। ये 6 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन कम से कम होने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम होमवर्क पर। होमवर्क का भी ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स आर एबल टू establish their learned knowledge। फिर यहाँ पर होमवर्क दे देंगे, paste the pictures of all types of nutrients। कुछ भी आप होमवर्क दे सकते हो जो आपने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग, और या इस तरह से भी लिख सकते हो कि पीपल टीचर राइट होमवर्क ऑन ब्लैक बोर्ड और स्टूडेंट्स राइट होमवर्क इन देयर नोटबुक। इस तरह से ये साइंस का लेसन प्लान बनेगा। उम्मीद है कि आपको ये प्लान पसंद आया होगा, और यदि आपको ये प्लान पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक और जो लाइक है वो लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।